जय हिंद दोस्तों, आई एम अरमान सर। आप देख रहे हैं रियल मैथ बाई अरमान सर, ये चैनल का नाम है हमारा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, आपको इसमें अच्छे से अच्छी जानकारी आपको मैथ की मिलेगी। तो देखिए, आज बच्चों आपको हम सिखाने जा रहे हैं मैथ के बारे में, उसमें जोड़ना। जोड़ना बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, ये सभी को आना चाहिए और आता भी है जोड़ना, ऐसी बात नहीं है, सभी को जोड़ना आना चाहिए। मगर देखिए, आज का टाइम है स्पीड, स्पीड में आना चाहिए। सिंपल तो जोड़ना सभी को आता है, क्लास 3 के बच्चा भी जोड़ लेगा, क्लास 10 के स्टूडेंट भी जोड़ लेंगे और क्लास 12 के स्टूडेंट भी जोड़ लेंगे, मगर आपको तेज में आना चाहिए। जैसे अगर आपको हम जोड़ने के कहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमारा है 5 4 5 4 8 4 9 8 7 4 5 4, इसको ऐड करना है। तो आप जोड़ तो लेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 5 4 9 9 7 16 16 4 20 का 0, कैरी 2 2 4 6 8, ऐसे करके जोड़ेंगे। जोड़ तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है, सही जोड़ लेंगे, मगर ऐसे जोड़ना आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे आपको जोड़ना नहीं आना चाहिए, थोड़ा तेज आना चाहिए, स्पीडली आना चाहिए। ऐसे ऐड कीजिए 5 4 9 16 4 20, कैरी 2 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 22 27, कैरी 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 24। फट से जोड़ना आना चाहिए आपको, ऐसे आपको जोड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी नंबर अगर आपका हो, ऐसे लिखा आपका कोई भी नंबर लिखो, इसमें ऑड ऐड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए इसके अंदर आपको, तो स्पीडली में जोड़ना आना चाहिए। स्पीडली में जोड़ना नहीं आएगा तो आपका कोई काम का नहीं है आपका, जान लीजिए इस बात को आप अच्छे से। स्पीड में जोड़ना आना चाहिए, और स्पीड में जोड़ना कैसे आएगा आपको हम ये बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह जोड़ना है, थोड़ा जल्दी जोड़ना है, आराम से जोड़ना है, कुछ भी करना है, मगर जल्दी से जोड़ के दिखाइए इसके अंदर आप। देखिए 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 18 हो गया, 26 हो गया, 30 हो गया, 34 हो गया, 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 12 हो गया, 7 19 हो गया, 4 23 हो गया, 8 31 हो गया, 8 39 हो गया, कैरी 3 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, 28 हो गया, 37 हो गया और 46 हो गया, 4 आ गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, 30 हो गया, 5 35 हो गया। ऐसे जोड़ना चाहिए फट से आपको, आपको अपना जोड़ना है, केवल आंसर से आपको मतलब है। जल्दी जल्दी फटाफट बोल लीजिए आप, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, आपको अपने आप को समझना है तो फटाफट बोलिए इसको, फटाफट जोड़िए। इसमें जोड़ने में टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको, और ये कैसे आएगा ये आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको केवल एक सिंपल सी बात है, इसमें आपको एकदम सिंपल सी बात है, आप रोज़ कम से कम ऐसे 5 6 क्वेश्चन लीजिए, कम से कम ऐसे 5 6 क्वेश्चन लीजिए और रोज़ ऐड कीजिए। बच्चे आप लोग जल्दी ऐड ही नहीं करते हो, आपको लगता है कि हमको ऐड आता है तो ऐड करते ही नहीं हो, कि हम ऐड क्यों करेंगे, हमको तो जोड़ना आता है, जोड़ेंगे क्यों। जोड़ना आपको ऐसे आना चाहिए जिस तरह हमने जोड़ा है फट से, जिस तरह हमने स्पीड में जोड़ा है, आपको ऐसे जोड़ना आना चाहिए। सिंपल सिंपल जोड़ते रहेंगे, धीमे धीमे करके जोड़ते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा और शायद गलती भी हो जाए। तो आपको स्पीड में आना चाहिए, तो इससे लगेगा कि आपको मैथ आती है। एनी टाइम कुछ भी जोड़ जाए, बोले 17 18 कितना होगा, बोले 35 35 19 कितना होगा, 54, फटाफट ऐड कीजिए, तब आपको ऐड करना आया, नहीं तो आपको ऐड करना बिल्कुल नहीं आता, हम तो यही कहेंगे। अगर आप स्पीड में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐड करना नहीं आता। सिंपल सा जोड़े आपको आना ही चाहिए, स्पीड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपको कह रहे हैं अच्छे से दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग, रोज़ एक पेज कीजिए आप, ऐसे 7 8 क्वेश्चन ले लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी गिनती ले लीजिए, उसको ऐड कीजिए। देखिए आप फटाफट ऐड कर लेंगे, इसे सिंपल से दोस्तों, अगर आपसे बोले हम 2 + 3 कितना होता है, तुरंत बोलेंगे 5, 1 + 2 कितना होता है, तुरंत बोलेंगे 3। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको इतनी बार आप ऐड कर चुके हैं तो इसलिए आप इसको ऐड कर लेंगे, इसमें भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल ऐड करने के लिए। और यही अगर आपको बोले 34 33 कितना होगा, 34 33 कितना होगा, तो वो आएगा 67, तो इसमें सोचेंगे आप, इसमें आप सोचेंगे, क्योंकि इसको जल्दी आपने ऐड ही नहीं किया है। अगर रोज़ इसी तरह आप ढेर सारा ऐड करते रहेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो हम आपसे यही समझाना चाहते हैं आपको कि रोज़ ऐड कीजिए क्वेश्चन को, मैथ ऐसी चीज़ है आपको रोज़ रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलरिटी उसके अंदर नहीं रहेगी मैथ के अंदर तो आपको मैथ कमज़ोर हो जाएगी। आपको कोई भी चीज़ सीखते हैं मैथ के अंदर तो उसकी रेगुलरिटी बनाए रही है, टाइम टेबल बनाए रही है कि हमको उसको करना है, पूरा पढ़ना है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को रियल मैथ बाय अरमान सर को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लाइक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।